Hello everyone, welcome to Biology Simplified. So today our topic is migration in fish. Firstly, migration hota kya hai? Basically, journey from one place to another place. Ek jagah se dusri jagah movement jo hai, usko hum migration bolte hain. But jab hum migration ki baat karte hain, agar organisms accidentally move kar rahe hain ek jagah se dusri jagah, to usko hum migration nahi bolte. Migration ka generally koi na koi purpose hota hai. मतलब वो खुद मूव कर रहे हैं फॉर अ रीज़न. सो जैसे फिश के अंदर हम देख सकते हैं, इट इज़ जनरली फॉर फीडिंग एंड स्पॉनिंग. या तो वो फूड के लिए माइग्रेट करती है या एग ले करने के लिए. ये मेजर रीजन्स हैं. और कोई रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस एंड टेम्परेचर चेंजेस, पीएच चेंजेस, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. बट प्राइमरली फिश के अंदर माइग्रेशन फीडिंग या स्पॉनिंग के लिए होती है. अब माइग्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. हम 5 टाइप्स देखेंगे माइग्रेशन इन फिश की. डायाड्रॉमी, एम्फीड्रॉमी, पोटेमोड्रॉमी जिसको हम लिम्नोड्रॉमी भी बोलते हैं, ओशियनोड्रॉमी एंड लेटिट्यूडनल माइग्रेशन. सो फर्स्टली विल स्टार्ट विद डायाड्रॉमी. डायाड्रॉमी जो होती है, माइग्रेशन होती है फ्रेश वाटर एंड सी वाटर के बीच में जो माइग्रेशन होती है. पर इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि ये माइग्रेशन सिर्फ स्पॉनिंग पर्पस के लिए परफॉर्म हो रही है. मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का हैबिटेट या तो फ्रेश वाटर है या फिर सी वाटर, पर वो स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर से सी वाटर जा रहा है, या अगर उसका हैबिटेट सी वाटर है तो सी वाटर से फ्रेश वाटर आ रहा है. मतलब वो एग ले करने के अपनी मूवमेंट शो कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है अपनी. जैसे डायाड्रॉमी की फर्दर 2 टाइप्स हैं, कैटाड्रॉमस एंड एनाड्रॉमस. अब कैटाड्रॉमस के अंदर क्या होता है, जो स्पीशीज़ है फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, मतलब उनका हैबिटेट फ्रेश वाटर है, पर वो स्पॉनिंग के लिए जो है वो सी वाटर के अंदर जा रही हैं. मतलब वैसे तो वो फ्रेश वाटर के अंदर रहती है फॉर फूड, फॉर देयर ग्रोथ, पर वो एग ले करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, सी वाटर के अंदर. एनाड्रॉमस के अंदर इसी का ऑपोजिट है. मतलब जो स्पीशीज़ है वो सी वाटर स्पीशीज़ हैं और वो एग ले करने के लिए सी वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहे हैं. सो आगे कैटाड्रॉमस के अंदर हम देखें, जो एडल्ट्स हैं वो आफ्टर स्पॉनिंग इमीजिएटली मर जाते हैं. पर वैसे ही हम एनाड्रॉमस के अंदर देखें, उसके अंदर भी एडल्ट्स डाई करते हैं, पर कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो हैं एडल्ट्स सर्वाइव कर जाते हैं. एंड कैटाड्रॉमस के अंदर हम देखें तो उसके जो लार्वे हैं वो वापस जब अपनी जर्नी वापस वो बैक अपने फ्रेश वाटर के अंदर आ रहे होते हैं, तो वो जर्नी के दौरान ही ग्रो कर जाते हैं. इसकी एग्जांपल है एंग्विला एंग्विला, फ्रेश वाटर ईल. एंड एनाड्रॉमस के अंदर जो यंग बंस हैं वो कुछ देर वहाँ पे ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, एंड देन वो वापस सी वाटर के अंदर आ जाते हैं. एग्जांपल सैल्मन, हिल्सा, एलोसा, स्टर्जियन. अब हम एक एक स्पीशीज कैटाड्रॉमस की, एक स्पीशीज ईल एंड एनाड्रॉमस का सैल्मन, उसको डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्टली आ गए ईल. ईल जो है अपनी कैटाड्रॉमस माइग्रेशन शो करती है. मतलब बेसिकली इट विल ट्रेवल फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर फॉर स्पॉनिंग. तो जब उसने माइग्रेशन शो करनी है स्पॉनिंग के लिए, तो उसके अपियरेंस में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. वो उसकी फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. जब ऑटम स्टार्ट होता है तब उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम येलो टू मेटालिक सिल्वर. दिस इंडिकेट्स कि अभी उसको स्पॉनिंग परफॉर्म करने जाना है. एंड उस वो खाना छोड़ देती है, फीडिंग स्टॉप्स, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो श्रिंक हो जाता है. आइज बिकम लार्जर, स्नाउट बिकम्स शार्पर, एंड उसके गोनाड्स जो हैं वो फुली मेच्योर हो जाते हैं. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फुली मेच्योर हो जाते हैं. फिर इनकी ब्रीडिंग प्लेस जो है वो सरगासो सी है. बेसिकली एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वेरियस स्पीशीज आती हैं ईल की टू परफॉर्म ब्रीडिंग. एंड इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पहले बोला था, एडल्ट्स डाई इमीडिएटली आफ्टर स्पॉनिंग, एंड इनकी स्पॉनिंग जो है वो डीप वाटर के अंदर होती है. उसके बाद एग्स जो हैं वो लार्वा के अंदर हैच हो जाएंगे. दे विल कन्वर्ट इन टू लार्वा, एंड जो लार्वा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लीफ लाइक होता है एंड पेलाजिक होता है. पेलाजिक मतलब विच इज़ लिविंग इन सी वाटर. हमें पता है कि लार्वा जो है वो सी वाटर के अंदर है,
एंड इसका नेम होता है लेप्टोसिफेलाई लार्वा। फिर ये जो लार्वा है वो माइग्रेशन टुवर्ड्स फ्रेश वाटर परफॉर्म करता है। जब वो माइग्रेशन परफॉर्म करता है टुवर्ड्स फ्रेश वाटर, तो वो माइग्रेशन के दौरान ही उसकी ग्रोथ हो जाती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एल्बर्स और ग्लास सील्स। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। बेसिकली इट माइग्रेट्स टूवर्ड्स बैक टूवर्ड्स द फ्रेश वाटर एंड ये जो एल्बर्स हैं और ग्लास सील्स, ये वापस फ्रेश वाटर में जाकर एडल्ट ईल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे। दैट्स ऑल। अब बस एक यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि अभी तक हमें पता नहीं चला कि जो यंग वंस हैं उनको रूट कैसे पता लग जाता है वापस फ्रेश वाटर की तरफ, क्योंकि जो एडल्ट्स हैं वो तो डाई कर जाते हैं स्पॉनिंग परफॉर्म करने के बाद, इमीडिएटली दे डाई। तो फिर वो जो यंग वंस हैं, हाउ डू दे नो देयर रूट बैक टूवर्ड्स द फ्रेश वाटर, दैट इज स्टिल अननोन। अब हम बात करते हैं सैल्मन की। सैल्मन जो है वो एनाड्रोमस माइग्रेशन परफॉर्म करता है, मतलब सी वाटर टू फ्रेश वाटर जाएगा वो फॉर लेइंग एग्स। अब इसके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस होंगे एडल्ट्स के अंदर, जब उसने स्पॉनिंग परफॉर्म करनी है, जब उसने माइग्रेट करना है, तो एडल्ट्स कुछ चेंजेस शो करेगा। जैसे इसके अंदर भी एडल्ट विल स्टॉप फीडिंग एंड उसका जो कलर है वो सिल्वर से रेडिश ब्राउन हो जाएगा, राइट। और इसके अंदर भी क्या है, एडल्ट्स विल डाई आफ्टर स्पॉनिंग, पर कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है दे मे सर्वाइव इन सम ऑफ द स्पीशीज़। एंड हैच होने के बाद जो लार्वा फिश है वो कुछ देर के लिए फ्रेश वाटर में ग्रो करेगा, देन इट विल रिटर्न बैक टू सी वाटर। एंड जो यंग सैल्मन है, जब वो सी वाटर में आ गया तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है बिकॉज वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी ग्रोथ मच मोर फास्टर होती है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सैल्मन का ऑल्फैक्टरी सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से जो एडल्ट स्पीशीज़ सर्वाइव कर गए वो अपने ऑल्फैक्टरी सेंस की वजह से वो उसी ओरिजिनल बर्थ प्लेस पर आ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एस्चुरीज की डिफरेंट डिफरेंट स्मेल होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेश वाटर बॉडीज़ की, तो वो इस सेंस ऑफ स्मेल की वजह से वापस अपना रूट वापस आ जाते हैं अपने उसी रूट के थ्रू। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन। हमने डायाड्रोमी अच्छे से देख लिया, बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है एम्फीड्रोमी। एम्फीड्रोमी इज कंप्लीट फ्री मूवमेंट बिटवीन फ्रेश एंड मरीन वाटर, मतलब वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर एंड मरीन वाटर से फ्रेश वाटर किसी तरह भी मूव कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटेट नहीं है उनका एंड वो ईजिली मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं दोनों के बीच में। एंड ये जो माइग्रेशन है ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए नहीं होती, ये किसी और पर्पज़ के लिए हो सकती है, जैसे फूड के लिए हो सकती है या टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है, बट ये ब्रीडिंग पर्पज़ को छोड़ के किसी और पर्पज़ के लिए ये माइग्रेशन होती है। इसकी एग्जांपल आ गई मेगालोपा एंड कैनोस। देन थर्ड वन इज़ लिम्नोड्रोमी। लिम्नोड्रोमी इज़ द माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रेश वाटर, मतलब ये माइग्रेशन सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर हो रही है, वो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर ही जाएंगे, वो सी वाटर के अंदर नहीं जाएंगे, फ्रेश वाटर के अंदर ही वो मूव करेंगे। एग्जाम्पल इज़ कैटफिश। देन फोर्थ वन हमारी आ गई ओशियनोड्रोमी। हमें नेम से ही पता चल रहा है ओशियनोड्रोमी, ओशियन, सो इसके अंदर भी जो है माइग्रेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ सी वाटर के अंदर। जैसे लिम्नोड्रोमी के अंदर माइग्रेशन सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड थी, इसके अंदर माइग्रेशन जो है वो सिर्फ सी वाटर में होती है एंड इट फिश डू नॉट ट्रेवल्स टू फ्रेश वाटर इन दिस केस। एग्जाम्पल इज टूना। देन फिफ्थ वन इज लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। ये माइग्रेशन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। ये माइग्रेशन क्लाइमेटिक माइग्रेशन है, मतलब जब क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तब ये माइग्रेशन परफॉर्म की जाती है। जैसे हम देख सकते हैं स्वॉर्ड फिश के अंदर, इट माइग्रेट्स टू नॉर्थ इन स्प्रिंग एंड इट माइग्रेट्स टू साउथ इन ऑटम, मतलब सीजन के चेंज होने पर वो अपनी माइग्रेशन कर रही है। सो इट इज़
क्लाइमेटिक माइग्रेशन, क्लाइमेट के चेंज होने पर वो माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ लैटिट्यूडनल माइग्रेशन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन इन फिश. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. होप यू विल लाइक इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.